अस्सलामुअलैकुम जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं गरीब की आवाज़ और आपको लिए चलते हैं आज की ताज़ातरीन अपडेट की जानिब। मेज़बानों ने कत्ल कर दिया, घर बुलाए मेहमान का कत्ल। गनी नामी शख्स जो कि चलगरी मरी कबीले से ताल्लुक़ रखता था, तौंसा शरीफ में चंद घंटों की बारिश ने तमाम तर तरक्याती कामों के पुल खोल कर रख दिया। या वज़ीरे आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। 45 किलोमीटर तवील और 350 फुट गहराई रखने वाला हब डैम भी कराची के बारिश से तक गया। 13 बरस में पहली बार हब डैम आज भर गया। अगर ज़रा सी भी बारिश हुई तो खुदा न ख्वास्ता कराची में एक सैलाबी तबाही का खदशा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुसूसो फजलो करम फरमाए, आमीन। बस्ती नगीड़ा तहसील तौंसा शरीफ मुनीर अहमद कलाची बस्ती नगीड़ा तहसील तौंसा का एक रहायशी है जो कि काफ़ी अरसे से कैंसर की मौजी मरज में मुबतला है। हालिया बारिशों से जहां तौंसा शहर की हर गली में पानी जमा है, इसी तरह तौंसा के दही इलाकों में गलियां भी तालाब के मंजर पेश करती है। शदीद बारिश के बाद तौंसा शरीफ की अदालतें और कचहरी में वकला के दफातर डूब गए। कराची वालों, आप जब बारिश आता है तब पानी आता है, जब बारिश ज़्यादा आता है तब जमात इस्लामी आता है। वेल्टन जमात इस्लामी।